look at you and it's easy to see. Hello everyone, assalamu alaikum, this is Maryam Jafri and welcome back to my channel. अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो. और मुझे आप सब लोग सबसे पहले तो ये बात बताओ कि क्या आप लोगों ने वोडकास्ट किया है, और अगर वोडकास्ट किया है तो कमेंट सेक्शन में बताओ किस किस को किया था. अभी सुकून से बैठे हुए बाहर हम लोग, और हम लोग क्या, मैं ही बैठी हुई और बच्चे आए हुए हैं, और नाश्ते का भी वेट कर रही हूँ. नाश्ता आ रहा है बाहर से, देखो नाश्ते में आज हम क्या खाते हैं, इधर ही बाहर ही रख के खाएंगे. चलो जी अब किचन में चलकर देखती हूँ मामू क्या कर रहे हैं इस टाइम. बताएं मामू क्या चल रहा है इस टाइम. हाँ जी, फुल टाइम आपने एप्रन पहना हुआ है, फिश आपने रखी हुई है, कर चल क्या रहा है. आज जुमे का दिन है तो जुमे वाले दिन मैं कुछ स्पेशल करता हूँ. अच्छा, फिश लेके आया था. वॉश आपने खुद की है जी? वॉश खुद देखती देखती मामू, कोई ना कोई आपने छोड़ी होगी चीज में, कोई ना कोई कसर छोड़ी होगी. अभी मैं चेक करती हूँ. तीन दफा, ओह माय गॉड. वैसे सच बताऊँ तो मैंने अगर मर के दो दफा धोती हूँ. अभी मैं फेंक रहा हूँ नींबू का रस. अरे यार, फ्रेश नींबू हो जाएगा. और ये आपने जनाब नींबू तीन चार ले लेने हैं, अच्छा ऐसे इसके अंदर दब देने हैं ऐसे. नमाज पढ़ के आया, नमाज पढ़ के फौरी तौर पे फिश को धोया है, धो के इसको मैं मैरिनेट करने के लिए रख रहा हूँ. अच्छा, ये नींबू भी आज लेके आया था. कुछ ज्यादा ही नहीं नींबू डाल रहे आप, ये चस्प देनी है ना. हाँ, मजा लेना है तो फिर लेना पड़ेगा. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मामू सही कह रहे हैं. स्वाद स्वाद है. हाँ, तो आज इनको ना फिश खिलाते हैं रात को. तो आज काफी लोगों का घर में रोजा भी है, तो रोजे की इफ्तारी के साथ साथ ये मैंने ये भी साथ हो जाएगा. ठीक है, गुड मामू, गुड. ये मेरा किचन जो है ना, ये पता ही है जो किचन होता है छड़ों का किचन. हाँ, वो ऐसा ही होता है बिल्कुल. लेकिन मामू आपने अपने किचन को बहुत परफेक्ट रखा हुआ है. नहीं जी, ये बिल्कुल खराब है, परफेक्ट नहीं रखा हुआ मैंने इसको. वो तो मैं वैसी तारीफ करी. इसके अंदर मेथी से नमक है, इसके अंदर अजवाइन है, इसके अंदर मेथी दाना है, इसके अंदर मिर्चे वगैरह हैं, और अच्छा कुछ इसमें छोटी भी मिर्चे हैं. अच्छा, और मेथी दाना रहेगा था जी. अभी मेथी दाना, ठीक है, और जो कि खत्म होने के करीब है इस टाइम, मैं सारा ही डाल देता हूं. नहीं मसाला मैंने मिक्स कर दिया, दादा मसाला नहीं डालता मैं. अब डालूँ उसके अंदर मैदा, हल्का सा टच आएगा मैदा का, जिससे आएगा क्रिस्पी टच. अरे वाह. और ये ले ली मैदा डाल दिया. और अब फिश को करें, इसको करें अच्छे से. जिस जिसको फिश नहीं बनानी आती ना आज, कि किस तरह से क्रिस्पी मजेदार फिश बनती है. क्रिस्पी में डालेंगे जब उसको फ्राई करेंगे ना, फिर डालेंगे एग्स. अच्छा, उससे क्या होगा, सब मजेदार इसका जायका बनेगा. ये मुझे अभी से मामू बहुत ही खुशबू आ रही है, बहुत. उसको रखेंगे हम 3 से 4 घंटे. कितने घंटे रखेंगे? 3 से 4 घंटे मिनिमम. और चाहे तो अगर नेक्स्ट डे भी आप इसको करें तो और मजे की बनेगी. अरे वाह, ये अंदर इसका मसाला घुसेगा, इतना ये टेस्टी और स्वादिष्ट बनेगा. अरे नामू जो है ना माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त बिजनेसमैन है, और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे शेफ हैं. और वो किस तरह से अच्छे बिजनेसमैन है उसका आपको प्रूफ मिल जाएगा उनके चैनल पर, जो कि मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाया था. तो आज की वीडियो में भी आपको लिंक नीचे शेयर कर दूंगी, आप उनके चैनल पर जाना और देखना. वो अपने आप मामू उधर ब्लॉग्स वगैरह भी अपलोड करते हैं. वो कह रहे हैं ब्लॉग्स जो वो स्टार्ट करेंगे माइट भी. अब इसको मैंने मैरिनेट करने के लिए रख दिया फ्रिज के अंदर. अब दोबारा बोले, अब इसको मैं कर दिया है मैरिनेट, और इसको रख दिया है, रखूंगा फ्रिज के अंदर. एयरटाइट के अंदर, ये एयरटाइट है. एयरटाइट है. अच्छा, कितने घंटे के लिए रखेंगे? अभी उस्तादी के टाइम होगा ना, उसको बता दें. असल में आज बहुत से ज्यादा असल में आज बहुत से लोगों का रोजा है हमारे घर पर, और ये फिश फ्राई होगी इफ्तारी के टाइम. तो इफ्तारी के टाइम जब ये फ्राई होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके अंदर जो क्रिस्प है, जो मजा है, वो कितना है. क्या आप लोगों ने इस रेसिपी को फॉलो करना है? रेसिपी को फॉलो करना है तो ज़रूर करना, क्योंकि ये आपको रेसिपी दोबारा कभी नहीं मिलेगी. दोबारा तब मिलेगी जब मैं दोबारा मंडी वाला दिन आऊँगी. और अगर सर्दियों का सीजन हुआ तो, और ऊपर से जुमा भी हुआ तो. ये रेसिपी, क्योंकि ये रेसिपी सिर्फ और सिर्फ तैयार होती है जुमे के दिन,
जुमे को होता है, क्योंकि जुमे को होता है उनका ऑफ। आम दिन में ये मिलना नामुमकिन है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। हाँ फ्राइडे को ये लोग फ्री होते हैं, फ्राइडे को जो भी काम होते हैं, वैसे हमेशा फ्राइडे को नहीं फ्री होते, अक्सर फ्राइडे को आप आउट ऑफ सिटी भी होते हैं, लेकिन जब फ्री होते हैं तो फिर किचन में जरूर आते हैं। बचपन से हम लोग देख रहे हैं, बचपन से कि मामू ने जब किचन में आना है तो इतने मजे के खाने कुछ ना कुछ पकाने हैं, और जो लोग हैं घरों में हजरात वो इंस्पायर हो, जो जो खावतीन है वो ये वीडियो दिखाएं मोहसिन मामू की हजरात को। हाँ हमारे घर की खवातीन की जुमे वाले दिन मौजें होती हैं, क्योंकि उस दिन उनको कुकिंग की छुट्टी मिल जाती है और वो आराम से सुकून से बैठती हैं और मोहसिन मामू के पके हुए फिशेस खाती हैं। फिशेस बहुत और भी चीजें बहुत बनाते हैं, देखिए साथ में डिश वॉशिंग भी कर रहे हैं। और अच्छी बात यह कि साथ में डिश वॉशिंग भी चल रही है, वो भी चलती है। हाँ बिल्कुल, मेहमान आए हुए हैं, मैं कहता कुछ नहीं। हाँ और कहेंगे भी तो हम करेंगे, कुछ भी सोचती भी मारी हुई है। अच्छी तरह से इसको धो रहे हैं, जबरदस्त। बाकी अपना काम जो है ना वो करें कंप्लीट। यस गुड, किसी को मेरे काम करने से मसला ना हो। नहीं बेसिकली किसी को आपके किचन में आकर काम करने से मसला ना। हाँ किचन में आके, क्योंकि अक्सर लोग इस तरह करते हैं, किचन में जाते हैं कि आज तो छुट्टी का दिन है, आज हम खाना पकाएंगे, तो वो किचन में जाके खाना तो पका लेते हैं, उसके बाद जो गन हो जाते हैं ना, तोबा तोबा, फिर बंदा कहता है इससे बेहतर था तुम लोग ना ही पकाओ, हम खुद ही पका लेंगे। वो सारी की सारी कैबिनेट्स खुली हुई होती हैं, सारे के सारे डब्बे खुले हुए होते हैं, सारे के सारे बर्तन गंदे हुए होते हैं, तो फिर हम कहते हैं इस एहसान का शुरू किया, इसका शुक्रिया बहुत बहुत, इसकी ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अभी खेलने का प्रोग्राम है क्रिकेट बेटे के साथ, और फ्रेडे के दिन है और आज हम खेलते हैं क्रिकेट। ओके गाइस, तो मैं अपने आज के व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। अगर आप लोग मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू थे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पुराने भी हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर फौरन से पहले सब्सक्राइब करो। मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टा पर मैं हूँ मरियम जाफरी 14 के नेम से, स्पेलिंग है MARYAMJAFFRI14। और हम मिलेंगे फिर कल दोबारा एक न्यू मजेदार और एंटरटेनिंग व्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।